वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कंपोनेंट्स, स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को, इससे पहले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, मीनिंग और मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हमने उन दोनों को सेपरेटली डिफाइन भी किया हुआ है और दोनों में डिफरेंस भी क्लासिफाई किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे स्कोप एंड कंपोनेंट्स, स्कोप कंपोनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम आपके सामने टॉपिक डिस्कस करते हैं स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस किस से वो मिलके बना है। स्कोप को वैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो स्कोप का वैसे मतलब होगा क्षेत्र, कितना उसका फील्ड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फील्ड क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिफाइन करने से पहले फिर से मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मींस अ लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। जो पूरी होल इकोनॉमी से इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक टास्क, इकोनॉमिक एस्पेक्ट रिलेट करता है तो वो कहलाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, हमारी कंट्री में नेशनल इनकम, हमारे पूरे राष्ट्र ने कितनी इनकम को अर्न किया है, तो ये एस्टिमेट करेगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज ए पार्ट ऑफ मैक्रो। हमारी पूरी होल कंट्री में कितनी फैक्टर इनकम जनरेट की गई है। नेशनल इनकम का मतलब होता है इट इज अ सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर। तो ये कहलाती है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम। और उसके जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं किसके, नेशनल इनकम के। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट्स, जितने भी उसके एग्रीगेट्स हैं वो भी एक लार्ज इकोनॉमी, वो भी पूरे हम होल इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे आप हमने लिखा है GDP, NDP एंड NNPFC। NNPFC तो खुद नेशनल इनकम है। इट इज नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं हम NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड NDP स्टैंड फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू। इट इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम उससे डेप्रिशिएशन को लेस करते हैं तो ये एग्रीगेट्स कहलाता है आपका NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वही सेम मार्केट वैल्यू का सम, फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू का सम जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन को हटा के, तो वो कहलाता है स्टूडेंट्स NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे सेकेंड पॉइंट इसका आता थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी डिस्कस की गई है जो एक मैक्रो, जो आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। उस थ्योरी को कीनीज़ियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नेम से भी हम इसको स्टूडेंट्स जानते हैं। तो ये थ्योरी आपकी आती है यूनिट सेकंड के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें कीनीज़ थ्योरी के अंदर हम यहाँ पे बताते हैं, जिसमें कीनीज़ ने एक एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है, जिसकी एक अप्रोच भी है AD=AS। इसकी स्टूडेंट्स अप्रोच भी है AD=AS। तो एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये डिस्कस की गई थ्योरी आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो डिस्कस किया आपके कीनीज़ ने। तो स्टूडेंट्स ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो कीनीज़ियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपका AD=AS, एक इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स यहाँ पर Y=C+I। Y स्टैंड फॉर इनकम। ये टू थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया कीनीज़ थ्योरी के अंदर। एक तो Y=C+I, इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए दो अप्रोचेस का यूज होता है। एक तो Y=C+I एंड सेकंड होता है S=I, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स आगे पॉइंट यहां पर आपका आता है थ्योरी ऑफ मनी, मनी की थ्योरी। कहने को तो ये छोटा कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटा चैप्टर है मनी,
पर लेकिन इस छोटे से चैप्टर ने, अगर ये छोटा सा चैप्टर पूरी होल इकोनॉमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, इसके बिना पूरी होल इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगी इस मनी के बिना। तो मनी की थ्योरी को प्रोवाइड किया, मनी के बारे में डिस्कस किया गया है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आपका एक मैक्रो का पार्ट है। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है, पूरी होल इकोनॉमी को इस पॉइंट ने स्ट्रक किया हुआ है मनी ने। मनी, मनी से पहले आपका बार्टर सिस्टम था जिसको हम सीसी इकोनॉमी, जिसको हम बार्टर सिस्टम ने एक इकोनॉमी डोमिनेट की थी सीसी इकोनॉमी, जिसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया करती थी, दो लोगों की जो वांट्स थी वो कभी कभी सेम हुआ करती थी, तो वहां पर एक्सचेंज करने में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती थी। तो मनी के आने से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, आप किसी भी कॉमोडिटी के बदले में पैसे देके आप उसको परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया में आपके थ्री सोर्सेज हैं मनी सप्लाई के। इन इंडिया देयर आर थ्री मेन सोर्स, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक एंड थर्ड वन इज, लास्ट वन आपका आता है गवर्नमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया में गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के पास किस करेंसी को इशू करने का राइट्स है? प्रेजेंटली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के पास में आपके 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को इशू करने का जो अधिकार है 1 रुपी नोट। पहले कॉइन, जितने भी कॉइन्स होते थे उनको भी था इशू करने का राइट्स, लेकिन अब 1 रुपी नोट, जो 1 रुपए का नोट है इंडिया में वो आपके गवर्नमेंट उसको इशू करती है, और बाकी उससे अदर जितनी भी करेंसी बचती है उसको स्टूडेंट्स वो इशूड होती है, इशूड बाय दी सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई, वो होगी आरबीआई के, आरबीआई से। अब बचता है कि कॉमर्शियल बैंक किस करेंसी को इशू करता है, जो बची हुई करेंसी थी वो आपके आरबीआई ने इशू कर दी। अब आपका क्वेश्चन यहां पर आता है कि कॉमर्शियल बैंक किस करेंसी को इशू करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक के पास में हालांकि कोई राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो करेंसी को इशू कर सके, लेकिन उसके पास में आरबीआई ने एक उसको राइट्स दिया है, अधिकार दिया है कि वो मनी क्रिएट कर सकता है। तो कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, और मनी क्रिएट करके, मनी जो क्रिएट करता है वो उस मनी को क्या करता है, फ्लो में, इकोनॉमी के अंदर फ्लो में ले आता है, तो उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। तो ये सारी थ्योरी आपके थ्योरी ऑफ मनी चैप्टर से रिलेट करती है, जो आपका पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आगे टॉपिक यहां पर आगे पॉइंट आपका आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, इट इज अ कोर एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी की, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, दो पॉइंट्स आते हैं। प्राइस लेवल जो चेंज होगा तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, तो ये थ्योरी भी आपके डिस्कस की गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे पॉइंट आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट, जिसको हम गवर्नमेंट बजट भी कहते हैं, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, जिसको हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं गवर्नमेंट की, इट इज आल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी, ये टॉपिक भी डिस्कस किया गया है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हम आगे वीडियो में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस भी करेंगे आपसे और डीपली, लेकिन इसमें थोड़ा और थोड़ा ऊपर से ही बताएंगे शॉर्ट में, गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में कैसे इंटरफेयर करती है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करती है, तो ये भी आपके, ये भी थ्योरी आपको देखने के लिए मिलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉम्पोनेंट से एक पार्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पूरी होल कंट्री के लिए प्ले करती है और स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अपने स्टेट के लिए प्ले करती है। आगे पॉइंट यहां पर आपका आता है एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, व्हाट इज एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट से हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं दूसरी करेंसी के, फॉरेन करेंसी के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया डॉलर की वैल्यू है कितने आपके 70 रुपीज, अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 70 रुपए 70 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे।
तो दोनों में देख लीजिए स्टूडेंट्स कितना चेंजेस है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसी में एक पॉइंट और आपका है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद अ डोमेस्टिक कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो आपकी कंट्री से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरी कंट्री को जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी दो कंट्री के बीच में, उन सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ये भी स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देयर स्कोप, क्या उसका स्कोप है, कितना उसका फील्ड है और क्या क्या उसके कोर। स्टूडेंट्स आगे हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इसकी जरूरत है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका आता है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। अगर हम देखें इकोनॉमी को इस तरीके से फंक्शन के बिहाफ पर डिवाइड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे कि हम उसके बारे में पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड और पूरी प्रॉपर एक्यूरेट नॉलेज को एक्वायर कर सकें। प्रॉपर नॉलेज ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल, जो हमारी होल इकोनॉमी में एग्रीगेट्स वेरिएबल हैं, हमें उसकी एक प्रॉपर नॉलेज हो और प्रॉपर रिकॉर्ड भी हमारे पास में उसका हो सके, इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स जरूरत है। सेकंड पॉइंट यहां पर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, क्रिएट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट ने इस टाइम में, करंट टाइम में पॉलिसी क्रिएट की है, फिस्कल पॉलिसी क्रिएट की है। अब कोरोना वायरस डिसीज चल रही है इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की है इकोनॉमी के अंदर पुअरर सेक्शन को गवर्नमेंट, जिसमें उनको फूड प्रोवाइड करा रही है, नेसेसरी जो फूड है, जो नेसेसरी लाइफ की नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमी के अंदर क्या करती है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का जो वर्क है वो भी एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल उसमें प्ले करता है, इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। आगे थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आता है अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, मैक्रो है क्या उसको समझने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मैक्रो मीन्स अ लार्ज कंसेप्ट, ए लार्ज इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ए इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक रिलेशन एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल या एट द लेवल ऑफ लार्ज, तो उसकी स्टडी करता है। उसको समझने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स आगे पॉइंट यहां पर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जितने भी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, हमारी इकोनॉमी एक डायनेमिक इकोनॉमी में जब चेंज होती है, बदलती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स वेरिएबल में इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं। उन चेंजेस को, उन फ्लक्चुएशंस को समझने के लिए और उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट, हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से उनको कंट्रोल करेगा, उसके पास में वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, वहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जो आपके फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस को वहाँ पर कंट्रोल भी करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड है, ज़रूरत है। आगे पॉइंट आता है स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, महंगाई बढ़ना, महंगाई होना। किसी कॉमोडिटी के प्राइस पहले 10 थे, अब 10 से हो गए 15, दैट इज इन्फ्लेशन। देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस बाय रुपीज 5। अगर उस कॉमोडिटी का प्राइस पहले 10 था, अब 10 से हो गया 8, तो 2 रुपीज से उसके प्राइस क्या हुए, डिक्रीज हुए, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। तो स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझने के लिए, इन्फ्लेशन है क्या, डिफ्लेशन है क्या, टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड इट्स देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, उसके इफेक्ट को समझने के लिए, और हाउ टू करेक्ट अ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उनको करेक्ट करने के लिए, हाउ टू मीजर, हम उसको मीजर कैसे कर सकते हैं और करेक्ट भी हम उसको कैसे कर सकते हैं इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को, इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। आगे पॉइंट यहां पर आपके सामने आता है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम डिनोट होती है आपकी NNPFC, चलिए लिख देते हैं यहां पर। तो देखिए स्टूडेंट्स
नेशनल इनकम की स्टडी पूरी होल इकोनॉमी के अंदर होती है, पूरी एंटायर कंट्री के लिए होती है, तो डेट इज अ कॉमनली पार्ट ऑफ मैक्रो। तो नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होगी और उसकी स्टडी करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। आगे स्टूडेंट्स देखिए, आपके सिलेबस में चैप्टर थर्ड स्टार्ट होता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड इट्स एग्रीगेट। आगे फोर्थ चैप्टर इसमें आपका है मीजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें थ्री मेथड्स आपके इसमें डिस्कस किए गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम की स्टडी के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। हाउ टू कैलकुलेट, हम कैसे उसको मीजर करेंगे, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। आगे स्टूडेंट्स पॉइंट हमारा आता है इसमें स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री दो तरीके से डेवलप होती है, एक तो इकोनॉमिकली और एक आपका सोशली। इकोनॉमिक, हमारी कंट्री क्या ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इकोनॉमिकली वो कितनी स्ट्रांग है, तो उसकी स्टडी के लिए भी हमें मैक्रो की जरूरत है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इकोनॉमिकली रिसोर्स, हमारी कंट्री ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी डिस्कस किया कि सोशल और इकोनॉमिकल, आपकी कंट्री दो तरीके से डेवलप करती है। तो इकोनॉमिकल चेंजेस आपकी कंट्री में क्या क्या आए हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ कितनी हुई है आपकी कंट्री में, इकोनॉमिकल डेवलप कितनी हो पाई है, तो उसकी स्टडी के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे पॉइंट यहाँ पर आपका आता है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मीजर भी करती है, हर एक इकोनॉमी की, पूरी एंटायर इकोनॉमी की, पूरी होल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मीजर भी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो पूरी एंटायर इकोनॉमी में, पूरी होल इकोनॉमी में परफॉर्मेंस चल क्या रही है अब करंट में, पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या हो सकती है, तो उस परफॉर्मेंस को मीजर भी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए हमें उसकी नीड है, जरूरत है। आगे स्टूडेंट्स पॉइंट आता है नेचर ऑफ मटेरियल वेलफेयर। जो वेलफेयर के मटेरियल्स हैं, वेरिएबल हैं, जिनसे हमारी कंट्री में वेलफेयर हो सकता है, जिससे हमारी होल इकोनॉमी में वेलफेयर हो सकता है, उसका क्या नेचर है, उसकी स्टडी भी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी कंट्री के पास में इकोनॉमिकली अगर हम देखें क्या क्या वेलफेयर के लिए रिसोर्सेज हैं, तो उसकी स्टडी भी करेगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने आपके साथ में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और सेकंड यहाँ पर था आपका हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और थर्ड कंसेप्ट था इसमें आपका स्कोप एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और लास्ट टॉपिक ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड, जो इसी से रिलेट करता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ में गुड्स के साथ में, इकोनॉमी के अंदर क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स क्या है, प्रोड्यूस किस किस तरीके के होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।